नमस्कार दोस्तों, एक न्यू चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि बिजनेस डायरी प्रोग्राम के अंदर हम हर बिजनेस को इंट्रोड्यूस करते हैं और आज हम आपके लिए लेके हैं गर्मियों का तोहफा। गर्मियों का तोहफा जिसमें कि हर सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है गर्मियों के अंदर इसकी, क्योंकि बाजार में हम लेने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी डिसक्वालिटियाँ मिल जाती हैं। पैसे होते हैं ऊँचे दाम, लेकिन आपको मिलती डिसक्वालिटी जिसके अंदर की क्वालिटी की मिलती नहीं है। सबसे बड़ी बात इस कूलर की क्या है, हम आपको दिखाते हैं आज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये कूलर की बॉडी, ये आपको लगता है कि फाइबर की है लेकिन नहीं, ये लोहे की है। इसके अंदर क्या है कि ज्वाइंटलेस है। अगर हम लोहे का कूलर लेते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उसके अंदर ज्वाइंट होते हैं जिसमें कि उसमें जंग लगने का खतरा होता है, जिसके देखते हुए क्या होता है कि हम उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि हम परचेज करते हैं फाइबर की बॉडी, क्योंकि वो एक साल पूरा नहीं चलती है और इसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरी इसके अंदर मेन क्वालिटी क्या है, इसके अंदर लगा हुआ है हनीकॉम पैड। हनीकॉम पैड क्या होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं, मैं एक सैंपल दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ये हनीकॉम पैड है जिसमें इसकी थिकनेस बहुत बढ़िया है, जिसमें और इसमें 4 साल की इसमें गारंटी रहती है, 4 साल तक ये ख़राब नहीं होता, जिसमें आपको एक्सचेंज नहीं करना पड़ता। इसमें ये ऑप्शन दिए हैं किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ से ये ऑफ ऑन का बटन है और ये टच पैड है, इसमें आप टच करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे फैन स्पीड और कूलर पंप, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। डिजिटल मीटर इसके अंदर यूज किया गया है, साथ में इसके हैं रिमोट जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सारे ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे मेन बात इस कूलर की क्या है, ये फुली ऑटोमेटिक है, जिसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 वाटर पंप हैं जिसको हम चाहें तो इसमें यूज कर सकते हैं। ये वाटर पंप के बटन है, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो वाटर पंप ऑन हो गया, यहाँ पे साथ में आपको शो भी करेगा। दूसरा, अगर आपको रात को सोने में दिक्कत होती है, जैसे यहाँ पर डिजिटल मीटर है, इसकी शाइनिंग आपको लग रही है, चुभ रही है आँखों में, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं, या आपका डिजिटल मीटर बंद हो जाएगा उसी टाइम पे। फिर से इसको ऑन करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कि रात की ठंड बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है, हमें ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके अंदर इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्लिप मोड का। स्लिप मोड में क्या है, मैं आप इसके अंदर आपका ये दिया हुआ है ऑप्शन स्लिप मोड, जिसको आप प्रेस करेंगे। अगर आपका ये फ़ैन 3 पे चल रहा है, इसको आपने प्रेस किया, ये ऑन हो चुका है। जब ये ऑन हो जाएगा उसके बाद आफ्टर 3 आवर्स 3 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक 1 नंबर कम हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर 3 आवर्स 3 घंटे बाद फिर से 1 डाउन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये 3-3 घंटे बाद बंद हो जाएगा। लास्ट में जैसे सुबह का टाइम होगा तो उस टाइम पर बंद हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, आप चाहते हैं कि इसकी जो कूलर की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक ना होके आपके अकॉर्डिंग चले, तो इसके अंदर आपके लिए दिया गया टाइमर ऑप्शन। ये टाइमर ऑप्शन है, अगर आप इसे टाइमर ऑप्शन यूज़ करके आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे शो करेगा कि आपने इसके अंदर 3 घंटे का 4 घंटे का कितना टाइमर आपने लगाना है कि उसके बाद ये आपका कूलर बंद हो जाए, तो उसी टाइम ये आपका कूलर बंद हो जाएगा। सबसे बेटर क्वालिटी का बैटल कूलर जो कि आपके जो ख्वाब हैं वो पूरे करेगा। दूसरी बात, आपको इसके ऊपर पैसे खर्च करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हर वो फीचर मौजूद है जो आप चाहते हैं। एक सबसे बड़ा मेन फीचर इस कूलर का मैं आपको बताता हूँ, जैसे बारिश आती है तो बारिश में क्या होता है, कूलर चलता है और आपके फेस के ऊपर चिपचिपा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर एक है ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि बटन के नीचे लिखा हुआ है कूल ऑप्शन। जैसे आप कूल को ऑन करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि ये पानी ऑटोमेटिक कम उठाना स्टार्ट कर देता है और जिसमें कि चिपचिपा कम होता है। क्योंकि बारिश होगी तो आपको इस टाइम पे पानी कम चलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ क्योंकि हवा ही काफ़ी है, लेकिन उस टाइम पे भी पानी चलेगा लेकिन कम मात्रा में चलेगा, जिससे कि ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी। और इस कूलर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों यूज़ कर सकते हैं। हम इंडोर कूलर वो यूज़ करते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि लुकिंग होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसकी लुकिंग एक वर्ल्ड क्लास लुकिंग दी हुई है, स्टैंडर्ड लुकिंग जिसको बोलते हैं वो लुकिंग इसमें है। इसको आप इंडोर रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, जहां आपकी मर्जी है वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस कूलर को आप एक बार देखें, साथ में इसके नीचे आप देख सकते हैं इसका स्टैंड दिया हुआ है, और एक जो स्टैंड है उसका लुकिंग भी बहुत ही नाइस जिसको बोलते हैं वो है। इसको आप मूवेबल कहीं पे भी ले जा सकते हैं, अंदर बाहर, जिसमें भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जिस तरह लोहे का स्टैंड यूज़ करते हैं जंग लग जाता है, इसके अंदर जिस तरह का ये यूज़ किया हुआ है मेटल, उसके ऊपर किसी तरह का जंग नहीं लगता। और इसकी लुकिंग कूलर के हिसाब से कलरफुल, जैसा कूलर का कलर है वैसा ही स्टैंड है, इसमें पता भी नहीं लगता कि स्टैंड इसमें यूज़ किया गया है। तो आज का हमारा ये प्रोडक्ट था बैटल कूलर।
तो इसी तरह से हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं किसी न किसी बिजनेस या किसी न किसी प्रोडक्ट को। तो हमारा जो प्रोग्राम है बिजनेस डायरी, उसको आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी बंदा इस प्रोडक्ट को खरीदे तो उसको अच्छा लगे, वो अपने पैसे खर्च करे, सही जगह खरीदे। बने रहिए हमारे साथ एक न्यू चैनल पे। जय हिंद।